नमस्कार, मैं पारुल गर्ग। आप देख रहे हैं अंबाला फास्ट न्यूज़। अब डालते हैं अंबाला की कुछ खास खबरों पर नजर। अंबाला के गांव शिवाला मंडी में संत रविदास आश्रम में बाबा पवन दास के 56वें जन्म दिवस पर संगत की तरफ से 56 किलो का केक काटकर बाबा का जन्मदिन हर साल की तरह बड़े धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि कल बाबा पवन दास ने अपना 42 दिन से चल रहा मौन व्रत खोला। इस अवसर पर आश्रम में चार गरीब कन्याओं की शादी भी करवाई गई, जिसका सारा खर्चा आश्रम ने उठाया। इस मौके पर दूर दूर से लोग आश्रम में आए, वहीं भंडारा भी किया गया, जहां पर बाबा की अनुयायियों ने भंडारे का लुत्फ़ उठाया। इस मौके पर भंडारे के लिए 3 क्विंटल लड्डू भी बनवाए गए। बता दें कि बाबा जी ये 40 दिन का मौन व्रत संगत की सुख शांति और अपने प्रदेश की सुख शांति के लिए रखते हैं। उन्होंने लोगों को संदेश दिया कि मांस नहीं खाना चाहिए और नशा नहीं करना चाहिए। मैं हर 2 साल के बाद ही हम नवी तरफ रखता हूँ खिलाड़ी की दुकान। हर 2 साल अपनी संगत की सुख शांति के लिए, अपने हरियाणा वासियों की सुख शांति के लिए। आप तो जाने जान हैं, संत जो करते समाज के लिए करते, अपने लिए कभी कुछ नहीं करते। एक जगह कहा भी है, उनका वृक्ष कभी ना फल बने, नदी न सके नीर, और परमारथ के कारण संतों ने दया सके। जैसे वृक्ष जो अपना फल अपने आप नहीं खाता, कोई नदी अपना जल अपने आप नहीं पीती है, ऐसी संत जो है समाज में सेवा करने के लिए आते हैं, समाज की सेवा और सेवा करके वो दूरता हमको चले जाते हैं। ये आश्रम है रविदास महाराज जी का, गरीब लड़कियों की शादी हो रही है। एक शादी शुरू कर दी थी, 2-3 है वो हो गई। हाँ, साल में करते रहे 5-7 शादियाँ, अक्सर कर चलता रहे। तो कितनी कन्याओं का जो आज शादी हो रही है, कितनी आज 4 कन्याओं की शादी हो रही है। हाँ, तो इसका खर्चा कौन उठा रहा है? इसका खर्चा हम ही उठाते हैं। हाँ, चलता रहे, भंडारा चलता है, सत्संग चलते हैं। लोगों को क्या संदेश रहेगा आपका? संदेश यही है कि मांस नहीं खाना, अंडा नहीं खाना, दारू नहीं पीनी है, गंदे विकारों का त्याग करना है। ठीक है, ये संगत मनाती है। जो नामदानी लोग हैं, जिन्होंने नाम नाम दे रखा है, संगत जो है अपने गुरु का जन्मदिन मनाती है, हर साल मनाते हैं। तो आपको संगत ऐसी दे रहेगी, बड़ी कृपा है सतगुरु की। मुझे 27 साल हो गए हैं रविदास महाराज जी का प्रचार करते हुए। मेरा जो फरेज है वो अंडे दारू मांस का है। लाखों लोगों के अंडे दारू मांस मतलब छुटवा दिए हैं नशे से जो है। हाँ, 56 किलो का केक कटा है, 11 क्विंटल लड्डू बने हैं संगत के खाने के लिए, हजारों कंबल बट गए होंगे यहाँ गरीब लोगों के लिए।